कुछ दिन पहले मेरी शाली की शादी थी और शाली ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जीजू आप जब आओगे तब कुछ कॉकटेल इक्विपमेंट्स भी लेकर आना, कॉकटेल बनाएंगे बैचलर पार्टी में, आप कॉकटेल बनाओगे हम लोग पियेंगे। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत दिक्कत वाला बात है, क्योंकि बार इक्विपमेंट को लेकर जाना मतलब और भी ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए सूटकेस में या ब्रीफकेस में, ऐसे ही बहुत सारा सामान उसके अंदर में हम लोग रख के ले जाते, बहुत डिफिकल्ट है। तो उस टाइम पे एक चीज़ मेरा बहुत काम आया और वो था ये बार बॉक्स का ये टाइनी सा सामान, मतलब बहुत छोटा सामान। क्या आप जानते हैं इसमें पूरा वो सारा सामान है जो आपको एक बारटेंडिंग के लिए चाहिए, कोई भी कॉकटेल आप बनाएंगे तो वो सारा सामान इसके अंदर में है। ये बार बॉक्स से मैंने खरीदा था और ये बहुत काम आ गया मेरा। 24 अलग अलग बार इक्विपमेंट अंदर में है और कितना टाइनी है, आप इसको ऐसे करके या ऐसे करके ले सकते हो या अटैच में आप अंदर डाल दो, कोने में पड़ा रहेगा। फ्रेंड आज बार बॉक्स का ये जो बारटेंडर ट्रेवल किट बैग है, इससे मैं कुछ इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके आज का जो कॉकटेल बनाऊंगा वो है निग्रोनी। यह एक क्लासिक कॉकटेल है और इसको बनाने के लिए जो भी बार इक्विपमेंट है मैं यहीं से निकालूंगा। पहले मैं इसको खोलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए एक मेटल स्ट्रैप जैसा है, ये आप प्रेस कीजिएगा तो ये खुल जाएगी और खुलने के बाद ये पूरा बैग है और इसको मैं ऐसे खोलूंगा, ये देखिए। और सबसे बेस्ट पार्ट है ये, मालूम ये क्या है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा एक्सेसरीज पे एक बार देख लीजिए क्या क्या है, बहुत कुछ है। अगर सब बोलने लगेंगे तो आज मैं निग्रोनी नहीं बना पाऊंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रीमियम क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ एक प्रोडक्ट है और बहुत हैंडी है, इसमें वो सारा सामान आ गया है जो आपको बांटने के लिए चाहिए। साथ साथ यहाँ पर भी एक चेंबर रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी पेग मेजर है और यहाँ पर शेकर है और ये क्या है मलाट, मतलब एक हैमर जैसा है। बहुत इंटरेस्टिंग ये सामान है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आइस क्रशर जहाँ से आप आइस को क्रश कर सकते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब आप अगर खरीदने जाओगे तो वो 15,000 से 30,000 की करीब करीब उसका प्राइस है। तो ये देखिए कंपनी ने, बार बॉक्स कंपनी ने एक कंप्लीट बैग दे दिया है और ये बैग के अंदर में यहाँ पर आप आइस डाल के और बैग को ऐसे बंद करके आप धड़ाधड़ मार के आइस बना सकते हैं, क्रस्ट आइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ साथ तीन तीन स्टिनर दिया हुआ है। अगर बोलने लगेंगे बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, आज की कॉकटेल के लिए जो जो सामान चाहिए मैं आज निकाल ले रहा हूँ और उसी से बनाएंगे, कई एक दिन इसका अनबॉक्स भी आपको करके दिखाएंगे। तो आज का कॉकटेल के लिए मैं लूँगा ये जुलेप स्टेनर, ये आज चाहिए मेरा कॉकटेल के लिए, ये रहा जुलेप स्टेनर मैं रखा। और चाहिए बार स्पून, तो मैं एक बार स्पून ले लिया, ये देखिए। साथ में चाहिए मुझे दो पोरस, ये आप बोल सकते हो कि इसको स्टॉपर भी बोल सकते हो, तो मैं ये दो यूज करूंगा, तो ये दो स्टॉपर मैंने ले लिया, ये भी मुझे चाहिए। और चाहिए ये पेग मेजर मुझे चाहिए, ये देखिए एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी पेग मेजर भी दिया गया है। तो मैंने पांच सामान ले लिया है और इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ, एक दिन अनबॉक्स भी करके दिखाएंगे। थैंक यू बार बॉक्स, थैंक यू सो मच दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। तो ये रहा मेरा चॉपिंग बोर्ड जहाँ पर मैं आज इस कॉकटेल को बना के दिखाऊंगा। आज का कॉकटेल का जैसे कि नाम आपने बताया निग्रोनी, और निग्रोनी को बनाने के लिए आपको चाहिए एक बीकर या जार चाहिए जहाँ पर हम लोग बनाएंगे। बाय द वे अगर आपके पास जार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी स्टेनलेस स्टील का सामान ले सकते हैं जहाँ पर आप जिसको आप यूज़ करके कॉकटेल को बना सकते हैं। साथ साथ मैं बोलूँगा कि अगर वो भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट जो है जिस ग्लास में आप कॉकटेल को बनाएंगे उसी में आप सर्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रो लेवल में बनाऊंगा जो बारटेंडर्स बनाते हैं, तो मैं इसीलिए एक बीकर ले लिया, जार ले लिया। अब इसमें एज यूजुअल आपको देना होगा लॉट्स ऑफ आइस, आ गया लॉट्स ऑफ आइस। बाय द वे मैंने आपको तो बताया नहीं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये रहा वो इंग्रेडिएंट लिस्ट, देख लीजिए निग्रोनी को बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आपको देना क्या है, सिंपल है, ये एक जिन बेस कॉकटेल है, तो मैं एक लोकल जिन ले लिया जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। बाय द वे मैं यहाँ को आपको दिखाऊंगा कि बार बॉक्स का जो सामान मैंने रखा हूँ चुन के वो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिन का बॉटल है, मैं इसको खोल रहा हूँ, सील्ड बॉटल है,
आप नोटिस करिए कि यहाँ पर देखिए ये ओपन बॉटल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक पोरर को यूज़ करेंगे। ये जो पोरर है मैंने आपको दिखाया, ये क्या करता है, अगर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे डालेंगे तो ज़्यादा गिरने का चांसेस रहता है, या यू नो आपका हैंड अगर शेक करता है तो ओवर एक पोरिंग भी हो सकता है, तो इसीलिए ये पोरर। तो मैं इस पोरर को लगाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए कितना फैंटास्टिक फिट हो गया है, अब इसको आप आराम से पोर कर पाएंगे। तो चलिए मुझे देना है 20 ml ऑफ जिन, तो 20 ml ऑफ जिन मैं यूज कर रहा हूँ, ये देखिए 20 ml ऑफ जिन मैंने दे दिया। अब इसको मैं साइड में रखता हूँ और मैं यूज करूंगा कंपारी। कंपारी एक बीटर्स है, आप बोल सकते हो वर्मूथ भी है, कंपारी भी हमको पोर करना है 20 ml। देखिए अगर क्लासिक कॉकटेल का बात करूं तो कुछ कुछ वेबसाइट में लिखा गया 30 30 30, 90 ml हो जाता है एट द एंड, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉकटेल हो जाता है जो इंडियन पैलेट मोस्टली पसंद नहीं करता है। तो मैं तीनों इंग्रेडिएंट्स को 20 20 20 करके दे रहा हूँ। तो चलिए कंपारी भी एक सील बॉटल है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी आपको एक पोरर चाहिए आराम से पोर करने के लिए, तो ये देखिए मैंने एक पोरर लगा दिया। अब 20 ml कंपारी दूंगा मैं, 20 ml कंपारी, एक बीटर है जैसे कि मैंने बताया, एक खरीद लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक सामान है। अब फाइनल इंग्रेडिएंट्स, और यहां पर मैं यूज करूंगा और एक वर्मूथ जिसको बोलते हैं मार्टिनी रोसो। ये जो मार्टिनी रोसो है ये एक्चुअली रेड वाइन है जो फोर्टिफाइड है, मतलब इसमें एल्कोहल परसेंटेज हाई है। यूजुअली जो वाइन होता है ना, वाइन का जो परसेंटेज है वो यूजुअली 15% तक होता है, बट ये 20% एल्कोहल है, और इसमें बहुत सारा एरोमाज है, हर्ब्स है जिससे इसको स्टीप किया गया है, भिगोया गया है। तो ये आपका मार्केट में मिल जाता है मार्टिनी रोसो, इसको हम लोग यूज करेंगे 20 ml मार्टिनी रोसो। आप चाहे तो घर में बना भी सकते हैं, तो मैंने दिखाया। चलिए ये तो हो गया आपका तीन इंग्रेडिएंट्स का बात। सो बार बॉक्स का तीन इक्विपमेंट को मैंने यूज कर लिया, और ये है चौथा इक्विपमेंट जिसको बोला जाता है बार स्पून, और इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉकटेल को अच्छा करके ट्विस्ट करेंगे। इससे होगा क्या, थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा और इसके साथ डाइल्यूट होके एक बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार करेगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि कंपारी जो है बहुत बिटर है, बट जिनके साथ कॉम्बाइन होकर अद्भुत स्वीट फ्लेवर छोड़ता है, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग ये कॉकटेल है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और स्टार करता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका ग्लास को कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए कोई भी ओल्ड फैशन ग्लास, ऐसा कोई ग्लास जिसमें आप इस कॉकटेल को बना सकते हैं, मतलब सर्व कर सकते हैं ये ग्लास, और इसमें आपको देना है बड़ा बड़ा सा 2 क्यूब आइस। तो ये आ गया 2 क्यूब आइस, ये देखिए मैंने बड़ा सा साइज चुना, क्योंकि ये ना बहुत स्लो पिघलेगा और इसीलिए आपका जो कॉकटेल है वो बिल्कुल वाटरी या डाइल्यूटेड टेस्ट नहीं करेगा, और यूजुअली ऐसे ही सर्व किया जाता है निग्रोनी को। तो आइए, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये देखिए अभी लास्ट प्रोडक्ट, मतलब पांचवा प्रोडक्ट जिसको कहते हैं जुलेप स्टेनर। जुलेप स्टेनर को यूजुअली आपको स्टेन करने के लिए आपको ऐसे पकड़ना है, ये देखिए, और आपको ऐसे ही करके डालना है। ये जो जार है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है जुलेप स्टेनर को पकड़ने के लिए, बट इट्स ऑल राइट। ये यूजुअली जितने भी जार होता है 500 ml का अगर होता तो बहुत अच्छा होता है, ये 1 लीटर का है। तो देखिए एक्चुअली ये आइस को रोकने के लिए बनाया गया है। अब आपका कॉकटेल कंप्लीटली तैयार है, ये देखिए निग्रोनी तैयार है, एंड इसको फाइनली गार्निश करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा एक ऑरेंज, ये देखिए एक ऑरेंज, और ऑरेंज का जो छिलका है वो ले लीजिए ऊपर से, मैं ये छिलका ले लूंगा यहां से। बस अब ये छिलका को क्या करना है, यहां पर थोड़ा ट्विस्ट करना है, मतलब ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे तो ऑरेंज का जो एसेंशियल ऑयल है छिलके का, मतलब ये जो पील का, वो इसमें ऐड करेगा एक अद्भुत सा सुगंध, मतलब ऑरेंजी नोट्स, और ऐसे ग्लास में लगा के आप इसको अंदर में डाल दीजिए।
देखिए आपका निगरानी बन के तैयार है। अब मैं आपको टेस्ट करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे कैसा लगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है ना बहुत बीटर टेस्ट करता है, पर ये जो है ना ये अमेजिंग टेस्ट कर रहा है। ऑरेंज का हल्का नोट, साथ में एडवर्टाइज फोर्टिफाइड वाइन का जो हर्ब्स का नोट्स, और जिनका जो एक ट्रेडिशनल नोट सबको मिलता है, वो सब मिला के एक अमेजिंग कॉकटेल बनकर तैयार है। तो फ्रेंड, आज का कॉकटेल मैंने बनाया बार बॉक्स का बारटेंडिंग ट्रेवल किट के साथ। सिर्फ 5 इक्विपमेंट को मैंने आज यूज किया, और भी ढेर सारा है जो आगे की कॉकटेल में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और वो जो बारटेंडिंग ट्रेवल किट आपको अच्छा लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है, जाइए और वहां से परचेज भी कर सकते हैं आप। 15% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लिखते हैं कॉकटेल 15। जी हाँ, ये कोड है, अगर लिखेंगे कॉकटेल 15 तो आपको 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग कॉकटेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।